गुपकार डिक्लेरेशन पे बैठक चल रही है जम्मू में, अभी आपके अध्यक्ष जो है बीजेपी के वो भी उस बैठक में। मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो ये है कि 370 के बारे में जो वहाँ पर जो भी कल की बात मीटिंग इनकी हुई है वो एक बेबुनियाद बात है कि 370 को आप दोबारा वो वापस लेकर आ सकते हैं, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। और दूसरी बात, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर पब्लिक की बात करें, चाहे जम्मू के हो चाहे कश्मीर के लोग हो, कोई भी इसके विरोध में नहीं है कि 370 आपने क्यों हटाया है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं कि जो बाकी जगहों पे है वो हमारे यहाँ पर भी कानून इम्प्लीमेंट हो। रही बात कि ये सिर्फ इनकी जो तानाशाही जो इतने सालों से चली आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे कई दिन हो गए आज कश्मीर में घूमते हुए, आज भी उन लोगों की हालत कंडीशन वही है, जबकि हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर में जम्मू में आता है। अगर आता है तो वो जाता कहाँ है? इतने सालों से इन लोगों ने जो कश्मीर का हाल किया है, आप देख सकते हैं लोगों की कंडीशन, आप यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, यूथ यहाँ पर खड़ा है आपके सामने, सड़क पर खड़ा है, तो वो ये किसकी वजह से, किसकी बदौलत है ये सब कुछ? ये उन्हीं की वजह से है। और आज वो वही उसी 370 को यहाँ पर लाकर दोबारा वही तानाशाही चाहते हैं, सिर्फ अपना राज चाहते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने आज तक ना किसी का कुछ किया है, ना उनके लीडर्स, इनफैक्ट जो उन्होंने आगे के उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उन्होंने आज तक किसी का कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर की जनता जो है हमारी, सफर कर करके आज इतने साल हो गए, जहाँ पर हम कई साल पहले थे आज वहाँ पर है। आप बात करें माइग्रेशन की तो किसकी वजह से है? इन्हीं की वजह से थी। आप मुझे बताइए, यहाँ से कश्मीरी पंडित वहाँ पर जम्मू जा रहे हैं और हमारा चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी लंदन में जाकर बैठ गए हैं, वो कोई बात हुई? ये कहीं से भी फिजिबल लगता है? मतलब मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर? उन्होंने मजाक समझ के रखा जम्मू कश्मीर। तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा अभी, जिस तरीके से बैठक भी अभी चल रही है, तो क्या कुछ सामने आएगा इसके बाद? देखिए, बैठक में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि 370 वापस लाना तो नामुमकिन बात है। रही बात, उनको अगर चाइना पे ज्यादा भरोसा है तो वो जा सकते हैं चाइना में, हमारे यहाँ से फ्लाइट जाती है, दे कैन गो ओवर देयर। और अगर मुझे लगता है सबसे पहले उनको यहाँ की JKP जो है उनको छोड़ देना चाहिए, उनको वहीं पे जाकर सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी मांगनी चाहिए। हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी खासकर हैं, अगर उनको उन पर यकीन नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। और 370 किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता जम्मू कश्मीर में।